यूपी के बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइट की चपेट में आने से 5 कांवड़िया झुलस गए। घटना से मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी होते ही स्थानीय लोगों की मदद से सभी कांवड़ियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी होते ही मौके पर SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज एवं DM बरेली की पहुँचने की सूचना है। दोनों अधिकारियों ने कांवड़ियों से अस्पताल पहुंचकर घटना के संबंध में जानकारी लेने के साथ उचित इलाज के लिए डॉक्टरों को कहा है। प्रत्यक्षदर्शी गंगाचरण एक कांवड़िये ने बताया कि ट्रैक्टर को भट्टे के अंदर किया जा रहा था, तभी ट्रैक्टर के पीछे लगे लोहे का पाइप हाई टेंशन लाइट से टकरा गया और ये हादसा हो गया। गनीमत रही कि इस घटना में कांवड़िया झुलसे हैं और किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वो लोग कछला से जल लाकर पहुंचे थे और फरीदपुर स्थित सिद्ध बाबा के मंदिर पर जाकर जलाभिषेक करना था। DM शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि ट्रैक्टर पर सवार लोग दातागंज के रहने वाले लोग हैं। इन सभी लोगों को फरीदपुर के सिद्ध बाबा पर जलाभिषेक के लिए जाना था। ये लोग मंदिर के करीब पहुंच गए थे, इसी दौरान ट्रैक्टर को बैक किया जा रहा था, तभी ट्रैक्टर की ट्रॉली में लगी पाइप थी जो बिजली के तार से टच कर गई। संयोग से पाइप टच होते ही बिजली चली गई। घटना में ट्रॉली में बैठे लोग थोड़ा ही वर्ण हुए, सभी लोग सामान्य हैं। डॉक्टरों के हिसाब से BS एक बच्चा 9% ही झुलसा है। क्या नाम है तुम्हारा? गंगाचरण। बताओ कैसे हुआ या करंट कैसे लगा आप लोगों को? करंट वो ट्रॉली अंदर कर रहे थे भट्टे में, तो उसी से करंट लगे, वो पाइप था निकला हुआ ऊपर, वही पाइप लग गया होगा उसमें, तो करंट लग गया। कहाँ से जल लेके आ रहे थे? कचला से। कहाँ जा रहे थे? सिद्ध बाबा पे, वहीं लुक रात के लिए रुकते थे वहीं हम। कितने लोगों को करंट लगा? यही 5 लोग हैं। 5 लोग। देखिए, ये दातागंज के रहने वाले लोग थे, एक ट्रैक्टर आ रहा था और उन्हें सिद्ध बाबा पर जल चढ़ाना था। वो लगभग मंदिर के करीब पहुंच गए थे और ये बताया गया है कि ट्रैक्टर जब वो वापस बैक कर रहे थे तो ज़्यादातर लोग उतर गए थे, 5-6 लोग उस पर रह गए थे। तो उतरते समय जब वो बैक कर रहे थे तो ट्रैक्टर के की ट्राली में DJ था, DJ पर एक पाइप लगी हुई थी, वो पाइप उस तार से टच कर गई। संयोग से उसी समय लाइट ट्रिप कर गई, तो लोगों को थोड़ा बर्न हुआ है, ज़्यादातर लोग सामान्य स्थिति में हैं, सभी 5 सामान्य स्थिति है सबकी, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं। एक बच्चे को 9% के करीब बर्न है, उसका इलाज चल रहा है, स्थिति सबकी सामान्य है और इस प्रकार ये परेशानी कांवड़ियों के साथ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।